नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण 6 जुलाई को बालाघाट जिले के बारा सभी नगर में मतदान होना है, जिसका अंतिम प्रचार प्रसार कल 4 जुलाई की शाम 5 बजे थम गया। वारासिवनी में इस बार भाजपा कांग्रेस के अलावा गुड्डा भैया समर्थक प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, जिसमें भाजपा कांग्रेस को पछाड़ते हुए निर्दलीय विधायक गुड्डा जायसवाल के पार्षद प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। वारासिवनी नगर निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का चुनावी मैनेजमेंट जीरो रहने के कारण इसका सीधा फायदा गुड्डा दल के पार्षद प्रत्याशियों को मिलता दिखाई दे रहा है। 4 जुलाई को खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप उर्फ गुड्डा जायसवाल ने अपने पार्षद प्रत्याशियों और नगर के मतदाताओं को लेकर बाइक रैली निकाली और अपने जनसंपर्क कार्यालय में एक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें शामिल हुए जनसमुदाय को देखकर सहज अंदाजा लगाया गया कि नगर निकाय वारासिवनी में एक बार फिर गुड्डा भैया का समर्थन वाली सरकार बनेगी। आपको बता दें कि वारासिवनी नगर के 15 वार्डों में गुड्डा समर्थक समस्त 15 प्रत्याशियों में से 13 पार्षद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बाल्टी है। यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि पहले ट्रैक्टर विजय हुआ, अब बाल्टी पंजे और फूल को धूल चटाने जा रही है। 4 जुलाई को गुड्डा जायसवाल द्वारा आयोजित की गई आम सभा में यहाँ के पार्षद प्रत्याशियों सहित गुड्डा भैया समर्थकों ने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ खूब निशाना साधा और कहा कि वारासिवनी में भाजपा को छगन हनवत और पूर्व विधायक डॉक्टर निर्मल ने खाजपा बना दिया है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा यहाँ भूंजा पापड़ नहीं तोड़ सकती और यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए भाजपा को बाहर से नेता आयतित करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री रामकिशोर जी कांवरे वारासिवनी नगर का भ्रमण कर रहे हैं। मुझसे हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो तो यह प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो प्रचार करने नहीं आए हैं। गौरी भाव ये देखने आए हैं कि गुड्डा जायसवाल का विजन क्या है, कि बालाघाट के रोडों पर आज पानी भरा हुआ है लेकिन वारासिवनी की चारों तरफ की रोड चकाचक, ये देखने आए इनको, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। आज ये वारासिवनी आकर और हमारी संबंधी हिना जी भी आई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पूरे कांग्रेस के प्रदेश में आप चिंता करते हो, वारासिवनी में भी कर लो। यहाँ के पंजा छाप कांग्रेसी जो है वो फूल छाप भाजपाइयों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे कभी कभी तरस आता है वारासिवनी के हमारे सम्मानी भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के मित्रों पर। आप चुनाव तो लड़ना चाहते हैं गुड्डा जायसवाल से, आप विधायक बनना चाहते हैं, लेकिन जब गुड्डा जायसवाल से लड़ने की बात आती है तो बालाघाट से आयात करके बुलाने पड़ते हैं आपको नेता। अरे पहले अपना दमखम इतना बढ़ा लो, इतनी अपनी लायकत बना लो जनता के बीच में, क्या गुड्डा जायसवाल से लड़ तो सको। आपको जरूरत पड़ती है गौरीशंकर बिसेन की, आपको जरूरत पड़ती है हिना कांवरे जी की। अरे मित्रों, अपनी ताकत को बुलंदियों पे भेजो, दूसरों की लकीर मिटाने से खुद के भाग्य नहीं बना करते। मित्रों, आज कांग्रेस कुछ वार्डों में जो प्रचार कर रही है उनका ये मानना है कि पहले आपके पास आएंगे कांग्रेसी और आपसे कहेंगे कि भैया पंजे कोड़ दे दो। अब आप कहोगे कि आपका पंजा तो एक ही 15 में से एक ही वार्ड में जमाने में नहीं बचा रहा है, तब आपसे कहेंगे कि बीजेपी को वोट दे। ये प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। और रही बात गौरी भाव की, नानू कांवरे जी की या हिना जी की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये हमारे गांव का चुनाव है, जैसे अभी आपके गांव का ग्राम पंचायत का चुनाव निपटा ना, वैसे ही हमारे गांव का चुनाव है। हमारे गांव का चुनाव हम गांव वाले मिलकर लड़ लेंगे। अगर आप यहां आए हो तो मैं कहना चाहता हूं आदरणीय गौरी शंकर जी बिसेन, आपको वारासिवनी के लोगों ने भी वोट दिया, 2 बार आपको सांसद बनाया। वारासिवनी नगर में आपके नाम का एक पत्थर बता दो, एक पत्थर, एक विकास काम, एक रोड हो या नाम। हमारी सरकार के कामों को, हमारी सरकार की रीति नीति को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो गुड्डा भैया। ये बात शिवराज सिंह चौहान भी जानते हैं। 1.5 साल 3 साल हो गए इनकी सरकार को, सरकार सरकार पान ठेले पर चाय ठेले पर चिल्लाते हैं, इनसे भूंजा पापड़ नहीं टूटता। ये बताएं कि एक बार एक काम इन्होंने सरकार से करा के ला दिया होगा, और नहीं तो गुड्डा भैया ने ये चुनाव आ गए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से 1.5 करोड़ रुपए वारासिवनी के साथ सज्जा के लिए, वारासिवनी में स्ट्रीट एलईडी लाइट लगाने के लिए और
ढाई करोड़ रुपए वाराणसी की पुरानी हमारे जो वार्ड है जसवाल जी का कार्यक्रम था, कितना विकास हुआ इनके कार्यकाल में। और ऐसा ही विकास देखकर ऐसे ही बुड्ढे भैया का जो विधानसभा क्षेत्र है वाराणसी फैरलांगी क्षेत्र, चाहे वाराणसी नगर का हो, इन्होंने अभी मेरे पूरे वक्ताओं ने बताया बहुत सारे विकास के कार्य कराए हैं। मैं जानती हूँ इनकी मध्य प्रदेश में सरकार होने के बाद भी ये उतना पावर नहीं रखते जितने हमारे बुड्ढे भैया जाकर वहाँ काम कराते हैं। भाइयों, अगर आप लोग चाहते हैं वाराणसी का विकास हो, वाराणसी में आप लोग जो चाहते हैं वो सब यहाँ उपलब्ध हो, तो आपको बुड्ढा भैया के 15 प्रत्याशियों को जिताना पड़ेगा। जब 15 प्रत्याशी जीतेंगे, उनका अध्यक्ष बैठेगा, तभी ये नगर विकास हो पाएगा। अन्यथा आप जो स्थिति में नगर को देख रहे हैं वही स्थिति में रहेंगे। तो भाइयों, आप सतर्क हो जाइए, अभी समय है। हमारे तो वार्ड नंबर 3 का पार्षद कहता है पैसा बिछा दूंगा, मैं बोलते हैं पैसा बिछा दूंगा। क्या मेरी जनता बिकने वाली है? क्या मेरी जनता पैसे पे है? अरे पैसे तो 5,00,000 रुपए 5 दिन में खत्म हो जाएंगे, पर ये 5 साल आप लोग क्या करेंगे? आप बताइए, ये 5 साल फिर आप लोग अपने घर में बैठ के मायूस होंगे और वाराणसी को एक ग्राम गांव के रूप में देखेंगे। अभी जो विकास दिख रहा है, अभी मेरे जो रिश्तेदार यहाँ आते हैं वो कहते हैं आपका वाराणसी तो जब घुसो अंदर वाराणसी के तो ऐसा लगता है कि शहर में आ गए हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि हम पुरानी दशा में फिर से आ जाएं? अगर आपने सामने वाले को दिखाया तो निश्चित ही हम लोग फिर पुरानी दशा में पहुंच जाएंगे। और यदि आप नगर का विकास चाहते हैं तो 15 प्रत्याशी को जिताइए, नगर का विकास करिए और ये सामने वालों को उनकी मुंह भी खिलाइए। ये दोनों जो यहाँ पर बन के बैठे हैं उन्होंने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके ही रहेंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के हितैषी बिल्कुल नहीं नजर आते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को इन्होंने खड़ा किया है जो हमारे कैंडिडेट सामने कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ बुड्ढा भैया ने जो कैंडिडेट खड़े हैं, निश्चित ही आप सबके सहयोग से, आप सबके सहायता से वो निश्चित ही जीत के आएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि बुड्ढा भैया के प्रत्याशी को आप लोग जिताइए, जो भी निशान है।